हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ रेजर के बारे में। रेजर की, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि हमें रेजर का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, रेजर को कब इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या सच है रेजर के बारे में, कितना झूठ है कि हमें इस्तेमाल करना चाहिए भी या नहीं, और क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, और कितने गैप में हमें रेजर का इस्तेमाल करना चाहिए, यही सब चीजें मैं इस वीडियो में आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर कि आपके लिए आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वैक्सिंग या रेजर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करती हूँ वैक्सिंग की। तो मैं भी ज्यादातर वैक्सिंग को ही प्रेफर करती हूँ। वैक्सिंग करवाना मुझे पसंद है और वैक्सिंग काफी ईजी भी होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी रेजर का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए। देखिए, रेजर अगर हमें अचानक से कहीं बाहर जाना है और शोल्डर ड्रेसेस पहनी है तो उस सिचुएशन में आप रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक होकर। लेकिन अब बात की जाए कि रेजर कितने गैप में इस्तेमाल करना है, तो ये टोटली आपकी हेयर ग्रोथ पर डिपेंड करता है कि आपको रेजर का इस्तेमाल कितने गैप में करना है। तो अब मैं यहां पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि रेजर क्या वाकई हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या नुकसान है हो सकते हैं इसके। देखिए, जब भी आप रेजर को एक बार इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं या बार बार इस्तेमाल करते हैं तो आपको जल्दी जल्दी रेजर इस्तेमाल करने की, यूज करने की आदत हो जाती है और एक जरूरत भी महसूस होती है, क्योंकि इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी ज्यादा होती है। जी हाँ, ये सच है कि रेजर यूज करने से हमारी हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है, बट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट लिटिल बिट आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो थोड़ी सी फास्ट होने लगती है। अब बात कर लेते हैं कि हेयर ग्रोथ कैसी आती है रेजर इस्तेमाल करने के बाद। तो हेयर ग्रोथ आपकी, थोड़े जो हेयर्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से सख्त बाल आते हैं। ये बात सच है जब भी आप रेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहां पर आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आप अपने अपर एरिया पर, यानी कि अपर लिप्स पर रेजर का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें अपने अपर लिप्स पर, क्योंकि इससे आपके जो बाल हैं वो सख्त आते हैं और जिससे आपको काफी डिफिकल्टीज आ सकते हैं, काफी मुश्किल आ सकती है अपने हेयर्स को रिमूव कराने में। थ्रेडिंग एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे अपर लिप्स करवाने के लिए, क्योंकि मैं यहां पर थ्रेडिंग ही करवाती हूं, मतलब थ्रेड से ही मैं रिमूव करवाती हूं अपने बालों को। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रेजर के नुकसान की। तो नुकसान सबसे पहला तो यही है कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो डबल हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी स्पीडली आपके जो हेयर ग्रोथ आते हैं वो ज्यादा आते हैं और जल्दी जल्दी आते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार इस्तेमाल करना शुरू करते हैं रेजर को तो आपको खुद ही जरूरत महसूस होने लगती है, क्योंकि इसके आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो जल्दी आती है। तो हमें लगता है कि हमें बार बार रेजर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ईजी ऑप्शन होता है गर्ल्स के लिए। तो हम यही सोचते हैं कि हमें जल्दी जल्दी रेजर इस्तेमाल करने की एक आदत बन जाती है। सेकेंड, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगी कि जब भी आप रेजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा आपकी स्किन ब्लैक होने लग जाती है, वहां से ऐसा लगता है जैसे वहां की स्किन टैन हो गई है। इसलिए मैं आपको यहां पर एक एडवाइस देना चाहूंगी कि रेजर का इस्तेमाल कम से कम करें जब आपको लगता है कि आपने सडनली कहीं बाहर जाना है या बहुत ज्यादा इमरजेंसी में आपने कहीं बाहर जाना है या शॉर्ट ड्रेसेस पहनी है, तो आप उस सिचुएशन में रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज वैक्सिंग यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जी हां, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि हमें रेजर या वैक्सिंग कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको वैक्सिंग का ऑप्शन ज्यादा अच्छा है वो चूज करना चाहिए। बट अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, बहुत ही जल्दी में हैं आप और शॉर्ट ड्रेसेस पहननी है या कुछ अपने वेडिंग फंक्शन वगैरह में जाना है, कहीं भी बाहर जाना है, तो आप रेजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एंड में मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आपके जो भी ओपन पार्ट्स होते हैं वहां पर आप रेजर का इस्तेमाल ना करें, अवॉइड कीजिए वहां पर रेजर का इस्तेमाल करने से बचे, क्योंकि ऐसे में आपकी स्किन जो है वहां पर ब्लैक हो जाती है, डार्क हो जाती है स्किन और रैशेज वगैरह होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप रेजर का इस्तेमाल ओपन पार्ट्स पर बिल्कुल ना करें। हाँ, अंडर आर्म्स वगैरह पर और बिकनी लाइन एरिया पर आप अपने रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप वैक्सिंग का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगी कि आप वैक्सिंग का ही इस्तेमाल कीजिए और वैक्सिंग कराने से हमारी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ बनती है और एकदम मुलायम हो जाती है, और वैक्सिंग कराने से हमारी ग्रोथ भी धीरे धीरे कम होने लगती है और वैक्सिंग कराने से हमारी डेड स्किन सेल्स भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा वैक्सिंग का ही ऑप्शन अपनाएं और रेजर का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, और हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। और गाइज, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।